ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्लड रिलेशन का डिफरेंट पार्ट बेसिक कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन आंसर राउंड में हमने देखा है, अनेक टाइप के क्वेश्चन देखा था, जो कि सिंगल सेंटेंस के भी क्वेश्चन थे, मल्टीपल ऑफ सेंटेंसेस के पजल टाइप के क्वेश्चन थे। अभी देखने जा रहे हैं थर्ड टाइप, जो सिंबॉलिक क्वेश्चन होते हैं, सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन, उस पर आधारित क्वेश्चन का डिस्कशन लास्ट क्लास में किए थे और अभी भी करेंगे, और उससे रिलेटेड होमवर्क को हम लोग देखेंगे कितने सही हुए, कितने गलत हुए, या जो भी डाउट हुआ उस पर हम। और जिन्होंने जो भी ये वीडियो नहीं देख पाए थे इसके पहले ब्लड रिलेशन, निश्चित रूप से NIBM रांची की वेबसाइट पर जाकर यूट्यूब क्लिक कीजिएगा, सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। ओके चलिए मेरे विद्यार्थियों, 39 लास्ट क्लास में हमने बताया था, 39 जो बतलाए थे उसका आंसर आपका क्या आया था आप सबों का? सर सी ऑप्शन 3 नंबर। इसमें कोई डाउट है किसी को? 39 फिर से? नो सर, थर्ड हमने बतलाया था, बिल्कुल सही बात है। 40 का आंसर क्या आया था? सर 4 डी। 40 का डी, इसमें कोई डाउट किसी को? नन ऑफ दी। तो एक बार हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर देखो प्लस मींस क्या है, प्लस मींस क्या कह रहा है, हस्बैंड कह रहा है, तो इसको अलग से यूं ही लिख लेते हैं, प्लस मींस यहाँ पर क्या है, हस्बैंड, शॉर्ट में लिखते हैं। एंड ऑब्लिक साइन यहाँ पर यूज किया गया, ऑब्लिक साइन मींस क्या कह रहा है, सिस्टर, ठीक है। एंड आगे जो क्रॉस मीन्स है सन, क्रॉस जहाँ भी होंगे उसका मतलब क्या है, सन, लेकिन अब किधर वाले डायरेक्शन किधर है, पी इज ऑलवेज कह रहा है, तो इधर वाले को हम कहेंगे हस्बैंड या सिस्टर या नहीं तो सन, ठीक है। अब यहाँ पूछता है ए इज द डॉटर ऑफ बी, कौन ये बताता है कि ए लड़की है किसका, बी का। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर ऑब्लिक साइन का मतलब सिस्टर होता है, तो सिस्टर होंगे, तो ये ए के बारे में पता नहीं चल पा रहा है लास्ट में होने के कारण कि ये मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है। तो यूं ही हम चेक, इसको चेक नहीं करेंगे, क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ए को डॉटर होना चाहिए, ए को डॉटर होना चाहिए किसका, बी का, यानी ए को 100% फीमेल होने चाहिए, तो ए लास्ट में होने के कारण ये पता नहीं चल पा रहा है कि मेल है या फीमेल। ठीक उसी प्रकार ये इधर है तो इसके बारे में भी पता नहीं चलेगा ए मेल है या फीमेल, लेकिन हमको डेफिनेटली ए को फीमेल होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होंगे, तब ये इधर है तो हो सकता है। अब इसको चेक करते हैं तो डी क्रॉस बी कह रहा है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, सन, तो बी यानी फादर हो सकते हैं या नहीं तो मदर, दोनों में से कोई हो सकते हैं। अब फिर ऑब्लिक साइन का मतलब कह रहा है सिस्टर है, ठीक है। तो मेरा टारगेट था कि ए को डॉटर होना चाहिए किसका, बी का, तो बी फादर या मदर कोई भी हो, बी का बेटा डी है और बी के बेटा डी है, बेटा का ये बहन है, तो बेटा का बहन बी के लिए क्या हो जाएंगे, डॉटर कहलाएंगे, तो राइट आंसर ये हो गया, चाहे बी फादर या मदर कोई भी है, लेकिन आप देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये डॉटर हो गए, समझ रहे ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएंगे, फाइव नहीं होंगे। जब फोर्थ कन्फर्म है तो नर्मदीज कैसे होगा, जिनका नर्मदीज आया था वो तो समझ गया, ठीक है, साउंड म्यूट कर लेंगे, ठीक है। आगे 41 बतलाए थे, होमवर्क दिए थे, 41 का आंसर क्या है? हाँ, 41 का आंसर आप लोग का आया है, आपने ट्राई किया है? सर बी आएगा, बी होगा, बी ऑप्शन सबका है, यस सर। डाउट है बतलाने हैं? यस सर बताने। देखिए कोई बात नहीं, नाम से क्लियर करते हैं, यहाँ पर अब अलग नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, या लिखना चाहो तो माइनस मीन्स क्या है, मदर है, लिख लो। एंड क्रॉस मीन्स क्या कहता है, फादर है, राइट। एंड प्लस मीन्स क्या कह रहा है आपका, प्लस मीन्स एक्स क्रॉस एक्स इज द डॉटर ऑफ, ये तीन साइन का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ऑलवेज एक्स के बारे में, इधर वाले के बारे में कह रहा है, तो प्लस मीन्स क्या कह रहा है, डॉटर, टी डॉटर है, तो क्यू फादर या मदर कोई एक हो सकते थे, ठीक है। अब डॉटर क्रॉस का मतलब यहाँ पर क्या यूज़ किया गया, फादर है, तो यहाँ पर ये पता चल गया टी बेटी है क्यू की और टी का फादर एन है, तो ये क्या हो जाएंगे, क्यू क्या हो जाएंगे, फादर नहीं हो सकते हैं, क्या हो जाएंगे, मदर, क्योंकि टी बेटी है क्यू का भी और एन का भी, तो एन फादर होने के कारण क्यू क्या हो जाएंगे, मदर हो जाएंगे, एन और क्यू वाइफ हस्बैंड हो जाएंगे, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, ये फादर है तो ये हस्बैंड हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगी, वाइफ हो जाएंगे, क्योंकि टी दोनों का बेटी है। अब आगे तक आगे क्वेश्चन में माइनस साइन इस्तेमाल किया गया, माइनस का मतलब क्या है, मदर है, तो इस फैमिली के हस्बैंड का वो मदर है, तो क्यू की मदर इन लॉ हो जाएंगे, तो नीचे दिए गए में कौन ट्रू नहीं है पूछ रहा है, कौन नॉट ट्रू है। अब देखो टी इज एंस डॉटर,
टी एन की डॉटर है, ये तो बिल्कुल ही सही है, ये क्या है ट्रू है, लेकिन नॉट ट्रू हमको निकालना है, मेरा फाइंड क्या करना है नॉट ट्रू, इस बात पर ध्यान देना। तो एन इज वाइफ ऑफ, एन इज वाइफ ऑफ क्यू, ये गलत है क्योंकि एन तो हस्बैंड है क्यू का ना, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, जो ट्रू नहीं है वो निकालना, यानी कि फॉल्स जो है वो हमको बताना है कौन है। तो राइट आंसर क्या हो गया, अब आप थर्ड को चेक करोगे, एम इज द मदर इन लॉ ऑफ क्यू, ये तो बिल्कुल ट्री है, एम तो मदर इन लॉ होंगे ही क्योंकि इसके हस्बैंड की माँ है वो, क्यू इज वाइफ ऑफ एन, ये भी ट्रू है, राइट ना। कौन कौन ट्रू है, तो आप एक फॉल्स, फॉल्स नॉट ट्रू है, तो कोई नॉट ट्रू तो एक ही होंगे, तो बी हो गए, तो आगे चेक करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है, राइट ना। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, 41 का बी, जो कि सबने सही बनाया था, लेकिन जिनका भी थोड़ा सा भी डाउट हुआ वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। क्या कहते हो, आगे बढ़े क्या? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इज 42 to 49। 42 to 49 के लिए सबके लिए एक ही सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, जस्ट क्वेश्चन डिफरेंट किए गए हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देख रहे हो प्लस मीन्स क्या है आपका फादर, है ना, और माइनस मीन्स क्या है आपका वाइफ, एंड क्रॉस मीन्स क्या है आपका ब्रदर, है ना, एंड एक और ऑब्लिक मीन्स क्या है यहाँ पर क्या किया है डॉटर। अब बार बार नहीं भी लिख सकते हो आप, देखो अब कहता है इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा ट्रू है, आप लोग का आंसर क्या आया है बताएंगे? पी द आंट ऑफ क्यू, ये सबका है सी, अच्छा ठीक है, एक हम बतला देते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर फादर, चलो ठीक है, एंड अगेन प्लस है, तो फादर का फादर हो गया यानी ग्रैंड फादर हो गया क्यू का ये, और ग्रैंड ऑब्लिक साइड का मीन्स क्या है डॉटर है, तो डॉटर है यानी कि ये पूछ रहा है, तो पी इज, पी के बारे में पूछ रहा है क्यू का कौन है, तो क्यू का फादर है पिताजी हो गए, एस के फादर हैं यानी पिता के पिताजी ग्रैंड फादर हो गए क्यू का, और ग्रैंड फादर की लड़की है, तो ग्रैंड फादर की बेटी को क्या बोलेगा, फुआ बोलेगा, अगर शुद्ध हिंदी में यूज़ करते हैं तो हम लोग फुआ, या नहीं तो कुछ लोग बुआ भी कहते हैं, और क्या क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में बोला जाए तो इंग्लिश में एक ही वर्ड होते हैं सबके लिए, क्या एंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे सी, बात समझ गए हो, ठीक है, तो बिल्कुल सही आप लोग का आंसर है, 43 का क्या आंसर है, 43 का बतला सकते हैं क्या होगा, ऑप्शन मदर ऑफ क्यू, मदर ऑफ क्यू सबका है क्यू, सबका फर्स्ट आंसर है, इसके अलावा कोई फर्स्ट सबका क्यू इज द डॉटर ऑफ पी आ रहा मेरा, क्यू इज द डॉटर ऑफ क्यू इज, चलिए चेक कर लेता हूं कि राइट आंसर क्या होंगे। अब यहाँ पर देखो प्लस, अब यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ यूज़ करते हैं, तो प्लस मीन्स क्या कहता है फादर, आर फादर, एंड फिर आप माइनस मीन्स, तो ऊपर देख रहे हैं माइनस मीन्स क्या है वाइफ, ये बात है ठीक है। अब यहाँ रिलेशन किसका देखना, कौन पी और क्यू में देख रहा है, तो यह देखो ना फादर की वाइफ है, फादर है तो ये वापस क्यू सन होगा या नहीं तो डॉटर होंगे, तो इसके पिताजी की वाइफ है तो क्यू की ये क्या होगी डायरेक्ट क्यू की मदर, तो पी इज द मदर ऑफ क्यू, P इज द मदर ऑफ क्यू किस में है, फर्स्ट में है, तो राइट आंसर फर्स्ट बन जाएंगे, Q इज डॉटर ऑफ P का, Q इज द डॉटर, लेकिन Q तो सन भी हो सकते हैं ना, क्या है कि Q के बारे में पता नहीं चल रहा है कि मेल है या फीमेल है, ऑलवेज हमने बार बार अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बिल्कुल लास्ट वाले के पता नहीं चल पा रहा है कि मेल है या फीमेल है, तो ये कहना डॉटर यहाँ पर तो सन भी तो हो सकता था Q, बात समझ रहे हो ना, इसीलिए सेकेंड ट्रू नहीं होते, एब्सोल्युटली ट्रू नहीं होंगे, तो राइट आंसर क्या है फर्स्ट, बात समझ गए, जिनको डाउट था क्यू सेकंड जिनका आंसर आया था वो क्लियर हो गया या फिर से समझ, yes, बिल्कुल सही बात है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, कोई बड़ी बातें इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 44 का आंसर क्या आया आप लोग का, ऑप्शन 4 है या इसके अलावा भी है, ऑप्शन 4 सबका है, डाउट है, कोई डाउट नहीं किसी को, क्या बतला दे क्या, देखो फटाफट देख लो, आर ऑब्लिक मतलब क्या कह रहा है डॉटर है, और क्रॉस मीन्स क्या कह रहा है यहाँ पर ब्रदर है, ठीक है, तो भाई देखो ना क्यू क्यू क्या हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं या नहीं तो मदर कोई हो सकते हैं, क्योंकि उसकी डॉटर है और डॉटर का भाई है, डॉटर का भाई है तो क्यू का क्या हो जाएगा सन हो जाएगा, पी क्या हो जाएंगे सन ऑफ क्यू, क्यू कुछ भी हो सकता है, पी इज द सन ऑफ क्यू किस में है 4 में है, तो राइट आंसर बिल्कुल सही है 4, राइट,
क्यू मदर या फादर कोई भी हो सकता है, लेकिन वो तो सनी होंगे क्योंकि ब्रदर है। आगे बढ़े, 45 का आंसर क्या है? ऑप्शन वन इज द ब्रदर इन लॉ। फर्स्ट ऑप्शन वन, वन के अलावा ए नंबर कौन? क्या आंसर आया वन के अलावा किनका आया है? किसी का आया हो तो बताओ, सबका वन है या डाउट है? माइनस मींस मींस क्या कह रहा है? वाइफ कह रहे हैं, ठीक है ना। और क्रॉस मींस क्या है? आपका ब्रदर, तो वाइफ का ब्रदर है, तो ये वाइफ क्लियर कह रहा है, तो वाइफ है तो वापस ये क्या हो जाएगा? हस्बैंड होंगे, राइट ना, हस्बैंड। तो ये हस्बैंड, हस्बैंड की वाइफ का ब्रदर है, तो पी क्या हो जाएंगे? साला हो जाएगा। पी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, फर्स्ट में है क्या? बिल्कुल सही जवाब था वन। जिनका भी डाउट अगर है तो क्लियर हो गए होंगे। 46 बनाए हो, 46 का नन ऑफ दिस, 46 थर्ड होगा। पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू नंबर, थर्ड नंबर और फाइव नंबर दो आंसर आया, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं, चेक करते हैं, ऑब्लिक साइन का मींस क्या है? डॉट। वापस ये क्यू मदर भी हो सकते थे या नहीं तो फादर भी हो सकते थे, क्या कहते हो? कहे कि क्यू के बारे में पता नहीं है, मेल या फीमेल है। अब ये डॉटर की ये कौन है? प्लस का मतलब कहता है फादर है, पी इज द फादर। वाह, क्लियर पता चल गया, तो ये फादर हो गया। तो ये कन्फ्यूजन था कि क्यू मदर है या फादर, तो पता चल गया कि जब इसका आर का फादर पी है तो क्यू फादर कैसे हो सकता है? डेफिनेटली क्यू क्या हो जाएंगे? मदर, राइट। तो ये पी क्या हो जाएंगे? हस्बैंड हो जाएंगे। पी हस्बैंड हो जाएगा किसका? क्यू का हो जाएगा। तो यहाँ पर पी द हस्बैंड ऑफ क्यू किस में है? थर्ड में है, तो थर्ड राइट आंसर है, तो फाइव कैसे होंगे? बात समझ गया? फाइव जिनका आया था वो क्लियर है या फिर से बतला दूं? ओके, आगे बढ़े। 46 फिर से बतलाना हो, कोई डाउट? 46 का फाइव जिनका आया था वो समझ गए? यस सर। वेल ठीक है, 47 का आंसर क्या है? फोर नंबर सर, फोर्थ नंबर। फोर सबका है? यस। फोर के अलावा है तो बोलो, तुरंत आउट क्लियर कर देंगे हम। डाउट है, ठीक है। प्लस मींस, प्लस मींस क्या कहता है? ये फादर है, तो ये क्यू क्या हो सकता है? सन या डॉटर में से कोई भी एक हो सकते हैं, ठीक है। और ऑब्लिक साइन मींस क्या कहता है? डॉटर है, तो ये डॉटर है, तो क्यू की ये क्या, पी क्या हो जाएंगे? डिफरेंटली पी बहन हो जाएंगे, क्यू ब्रदर या सिस्टर कोई भी हो सकता था, तो पी द सिस्टर ऑफ क्यू, पी द सिस्टर ऑफ क्यू फोर्थ में। बिल्कुल सही, जिन्होंने फोर्थ जवाब दिया एब्सोल्युटली राइट थे। 48 का आंसर क्या है, कोई बतलाएंगे? सर अंकल का फर्स्ट जवाब दे रहे हैं। फर्स्ट के अलावा भी कोई आंसर है सर? सी। चलिए देखते हैं, 1 और 3 भी कह रहे हैं, चेक कर लेते हैं तुरंत। प्लस मींस क्या कहता है? फादर, तो ये फादर हो गए, तो वापस क्यू सन या डॉटर कोई भी एक हो सकता है क्या? और क्रॉस मतलब क्या कह रहा है? क्रॉस का मतलब है ब्रदर, तो ब्रदर है, तो फादर का ये ब्रदर है, तो फादर का ब्रदर क्यू का क्या हो जाएगा? क्यू के पिता के भाई को चाचा कहते हैं, तो पी द अंकल ऑफ क्यू, ये राइट आंसर है क्या? क्यू का फादर है, आर का भाई है वो, तो फादर का भाई क्या होगा? क्यू के लिए चाचा कहलाएंगे, तो पी द अंकल ऑफ क्यू, बिल्कुल सही जवाब है फर्स्ट में। थर्ड में क्या कह रहा है? पी द ब्रदर, ब्रदर इन लॉ कैसे होंगे? पिता के भाई को साला तक थोड़ी बोलते हैं, हस्बैंड का भाई होता तब साला होता, राइट ना? सर हिंदी वाले में उसमें पत्नी लिखा है। अच्छा, किस में? थर्ड ऑप्शन में? नहीं सर, मतलब हिंदी का क्वेश्चन जो था ना उसमें फर्स्ट में वाइफ में, लिखा हुआ है फर्स्ट में, हो सकता है सर आर को वाइफ लिखा है। ओके ठीक है, चलिए अभी समझ गए, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन कट करके कर लीजिए, पी द चाचा, ठीक है। आगे बढ़े, 49, वन मोर। 49 का आंसर क्या है? सर सी नंबर, सिस्टर इन लॉ। थर्ड सबका थर्ड है या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? राइट आंसर है, बताइए, डाउट है? ठीक है, क्रॉस का मतलब क्या कह रहा है? आपका ब्रदर, ये ब्रदर है, आर ब्रदर है, तो क्यू सिस्टर भी हो सकते थे या नहीं तो ब्रदर भी हो सकते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल का कुछ पता नहीं है। अब माइनस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? माइनस का मतलब वाइफ हो गई, ओके। तो ब्रदर या सिस्टर कोई भी होता, इसके भाई की ये वाइफ है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी? भाभी हो जाएगी, हिंदी में कहा गया भाभी हो जाएंगे और इंग्लिश में कहा गया तो सिस्टर इन लॉ हो जाएंगे।
तो थर्ड राइट आंसर है, हिंदी में देख लो, हो सकता है हिंदी में यहाँ पर सिस्टर इन लॉ की जगह पर लिखा गया होगा साली लिख दिया गया होगा, ठीक है। तो साली को काट करके यहाँ पर हिंदी में प्रॉपर करना हो तो भाभी कर लो और आंसर वही कर देंगे थर्ड, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे थर्ड। क्लियर है? ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुए आपको, 49 तक जो भी डाउट था ऑलमोस्ट सारा बता दिए, ऑलमोस्ट किसका क्या सही जवाब हुए हैं, ऑल 41 टू 49 किसका इसका राइट हुआ है बताओ। सर मेरा, स्वाति मेरा, संतोषी करिया, संतोषी स्वाति करिया। और बॉयज ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी रिलेटेड डाउट हो गए होंगे निश्चित रूप से क्लियर भी हो गया होगा, छोटा मोटा डाउट है, माइनर मिस्टेक हुए थे, स्लिप ऑफ पेन स्लिप ऑफ माइंड कर सकते थे, तो जिन्होंने क्लासेस नहीं किया निश्चित रूप से आप देख लेना यूट्यूब पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास की हम लोग और बढ़ेंगे क्या, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं परसेंटेज का बात देखते हैं जो रेस्ट बचे हुए हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर दोनों बैच का कॉमन चैप्टर रहेगा, और वो चैप्टर क्या रहेगा आपका, पार्टनरशिप, जो हम 10-1 में स्टार्ट कर रहे थे, किए थे, फिर से बताते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके मेरे पार्टनरशिप, चलिए थोड़ी देर, 2-3 मिनट का ब्रेक देता हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट कर देता हूँ। थैंक यू।